वालेकुम। आज का हमारा मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ पहली दी हुई कमांड्स 30 आपने ज़रूर सॉल्व की होंगी। अच्छा, याद रहे कि मैं एक बुक जो है उसको फॉलो करता हूँ। बुक का नाम मैथमेटिका ही है, वेल फ्रेम मैथमेटिका, और कंपनी है वो श्याम सीरीज आउटलाइन के पब्लिशर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी बुक है और ये आपको नज़र आ रही है, मैथमेटिका की बुक है और इसका राइटर है यूडिन डॉन, पीएचडी है मैथमेटिक्स के अंदर उसकी, ये उसका राइटर है। तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें 750 एक्सरसाइजेज हैं आंसर्स के साथ, तो यही हम कर रहे हैं आमतौर पर, इसी में कमांड कर रहे हैं। मैं इसकी कमांड निकाल के आपको वो बताते जा रहा हूँ, साथ सॉल्व करते जा रहा हूँ जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको देखना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे ये शेयर कर दूंगा, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करना है सेट से। मैं एक सेट दे देता हूँ, इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4। ये सेट ए है मेरे पास। सेट बी मैं ले लेता हूँ 3 4 5 6। चलिए, हाँ ठीक है, 5 6 कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसका, मुझे इसका यूनियन चाहिए। यूनियन यूनियन तो किस पे इस्तेमाल कर रहे हैं? लार्ज ब्रैकेट होनी चाहिए, ए कॉमा बी, दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, दोनों का यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए बी, और इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और ये ए बी मीन्स ए माइनस बी, इसका मतलब ये बनता है ए माइनस बी जो हम लिख रहे होते हैं, ए माइनस बी आ चुका है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं ए माइनस बी लिखता हूँ तो फिर क्या आता है? फिर होगा ये कि हर एलिमेंट को माइनस कर रहा है। आप देखें कि यहाँ पे जो 3 है, 1 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 5, 4 माइनस 6, ये हर वैल्यू को माइनस करते जा रहा है। अच्छा, मुझे सेट ए में से कोई रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम ए। अच्छा, रैंडम इसने नहीं दिया, ओके, ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा, कह रहा कि आप जो कमांड दे रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है सेट्स के अंदर। चले, हम रैंडम नंबर लेना चाह रहे हैं तो मैं सेट की नोटेशंस को ख़त्म कर देता हूँ, तो हम वैसे दे देते हैं। क्या हमें बता रहा है ये? ओके, इसकी हेल्प चाहिए हमें। खैर, रैंडम नंबर हम उसमें ले लेते हैं, इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स इंटीजर्स में हमारे पास रैंडम नंबर आ गया। मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ रन। इंटीजर्स में मेरे पास ये 1 ही दे रहा है, इंटीजर में जो रैंडम नंबर है, क्योंकि ये 1 से कम देता है, बिल्कुल ये आपको 1 से कम देता है, तो हमें 1 से बड़ा चाहिए। 1 से बड़े के लिए, हाँ जी, 2 से 10 के दरमियान जो है रैंडम नंबर उसने 4 दे दिया हमें, तो ये इसका तरीका है रैंडम नंबर्स का। अच्छा, हमें सब सेट चाहिए ए का, सब सेट्स हम लेते हैं, जिसे हम पावर सेट भी कहते हैं। ये सारे सब सेट्स आ गए। अब मुझे सब सेट्स चाहिए जिनमें एलिमेंट्स, हमारे जो एलिमेंट्स की तादाद है, जैसे ये 3 है, मुझे 2 तक के लिए चाहिए, तो उसके लिए सब सेट्स ए हम लेते हैं, ए ऑफ 2, ये 2 तक के लिए आ गया, 1 और 2 शामिल, 1 और 2 उसमें शामिल है। अगर एग्जैक्टली मुझे 2 वाले चाहिए सबसेट्स, फिर क्या करेंगे हम, ए ब्रैकेट 2, एग्जैक्टली 2 वाले आ जाएंगे सिर्फ हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अब हमें रैंडम नंबर, रियल नंबर का चाहिए मुझे, रैंडम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए,
कम्प्लेक्स, ये रैंडम कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है मेरे पास। फिर मैं कहता हूँ रैंडम नंबर हो और रियल नंबर की वैल्यू वेरी करे मेरे पास, रियल वैल्यू वेरी करनी चाहिए 5 से 10 तक। ओके, रियल नंबर का ही मुझे ये सारा चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए रैंडम नंबर रियल 5 to 10, लेकिन उसके आंसर जो है वो 50 डेसिमल प्लेस तक हो। ये आंसर आ गया उसका 50 डेसिमल प्लेस तक। और अगर मुझे रैंडम नंबर चाहिए तादाद के हिसाब से, मतलब रियल रैंडम नंबर, अब मैं थोड़ी सी कमांड को चेंज कर दूं, रैंडम रियल, और मुझे ये कहां से कहां तक चाहिए उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, 10 to 100, 10 से 100 के दरमियान मुझे 20 रैंडम नंबर चाहिए। ये इसने 20 नंबर दिए हैं 10 से लेके 100 तक के दरमियान में, मुझे चाहिए रियल नंबर के लिए रैंडम रियल टेन टू हंड्रेड, और मैं इसमें भी 20 के ले लेता हूँ, चलिए 10 कर लेते हैं, ये 10 तक आ गया। अच्छा, मैंने रैंडम रियल लिख लिया है, ओहो मैंने दूसरा लिखना था, इसमें हम रैंडम कोई और ले लेते हैं। अच्छा, पहले हमने रियल किया था, इंटीजर्स किया और कम्प्लेक्स किया, रैंडम प्राइम कर लेते हैं, प्राइम मुझे चाहिए रैंडम प्राइम नंबर 1 से 1 to 100, 10 प्राइम नंबर्स, 10 प्राइम नंबर इसने दे दिए रैंडम जी। इसके बाद राउंड ऑफ फिगर को मैंने राउंड ऑफ करना है नंबर्स को, 9.75, 10 आ गया, राउंड ऑफ कर दिए। फिर मैं एक और लेता हूँ राउंड 9.45, 9 आ गया। जी आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर होता क्या है कि जिससे हमने डिवाइड किया जो आंसर आ रहा है ना हमारा, वो क्वेश्चन नंबर होता है। अब मैं फर्ज कर लेता हूँ 30 को डिवाइड करते हैं, मैं 30 को डिवाइड करता हूँ 4 पे करते हैं, तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 7 4 28। और अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर मैथ के अंदर मोड को कहते हैं, मॉडुलो क्लास आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी के अंदर, तो उसको मोड लिखा जाता है, मॉडुलो क्लास 30 कर लेते हैं। और रिमाइंडर अगर 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 रिमाइंडर आ चुका है हमारे पास। अगर हमें रिमाइंडर भी चाहिए और क्वेश्चन भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन रिमाइंडर 20 and 3। आगे इसके साथ हम कुछ और कर लेते हैं, JCD, LCM, इसको नीचे कर ले थोड़ा सा, JCD, इसके अंदर जितने भी आप एलिमेंट्स लिखेंगे उसका ये JCD निकाल के दे देगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मैं 65 5 आ गया।
LCM, LCM चाहिए मुझे इन्हीं नंबर्स का, 45, 85, 65 LCM आ चुका है। ओके हमारा LCM और JDB हो चुका है, हमें एक और जरूरत है साइन की वैल्यूज कैसे ली जाती हैं, और इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये रहता था कल वाले लेक्चर के साथ, हमें उसको बता देना चाहिए था, ऐसे ये एडिशनल है ताकि आपकी आज की जो है वो 30 कमांड्स पूरी हो जाए। तो इसको मैं डिग्री मिल लेता हूँ, डिग्री तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/√2। इसी तरीके से आपने जब भी लिखना है कॉज, कोसिकेंट, कॉज ये यूज़ करना है आपने, इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं टेन, और इसी के अंदर वैल्यू आर्क टेन, अच्छा इसी तरीके से आप बाकी कोसिकेंट, कोसिकेंट एस सी एस सी कॉट, इसके आगे आप लगा लें लार्ज ब्रैकेट्स सिकेंट, और अगर आपने इनका इन्वर्स लेना है तो आर्क लिखना जैसे मैंने टेन के साथ लिखा हुआ। ओके अल्लाह हाफिज़।